आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। बर्थडे पर केक काटने की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन एक अनोखी तरह की तस्वीर के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल बर्थडे पर तलवार से बीजेपी सांसद के केक काटने का फोटो वायरल हुआ और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्या है ये पूरा मामला और विपक्ष किन आरोपों को आधार बनाकर ये सवाल उठा रहा है, देखिए। तारीख 1 जुलाई, दिन था गुरुवार और मौका था एमपी के सीधी से बीजेपी सांसद रीति पाठक के जन्मदिन का। अब जन्मदिन के जश्न पर समर्थक अपने सांसद के लिए केक लेकर आए, तब सांसद रीति पाठक ने केक को चाकू की जगह तलवार से काटा। बस फिर क्या था, जैसे ही तलवार से केक काटने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कांग्रेस ने सांसद रीति पाठक पर सवाल उठा दिए। सीधी सांसद को समाज के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश लगातार बलात्कार और अपराध प्रदेश क्यों बना हुआ है, महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बदले वह युवाओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है, यह निंदनीय है। सांसद ने अपने जन्मदिन की ये फोटो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट किया था। सीधी सिंगरौली क्षेत्र से रीति पाठक दूसरी बार बीजेपी सांसद चुनी गई है। इससे पहले वो साल 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। सांसद रीति पाठक के तलवार से केक काटने पर अब सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर अभी तक सांसद साहिबा ने कोई बयान नहीं दिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।